नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम BHU का एग्रीकल्चर का सेट सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्रीकल्चर पोर्शन लिया है, ठीक है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन रहेंगे और ये जो सेट है ये सन 2010 का है, पुराना सेट है। तो इस सेट का कराने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन BHU में पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इसके साथ साथ में आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमें कितना क्वेश्चन आ रहा है और हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए इसके लेवल के लिए। तो यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो जो लोग भी BHU या ICAR या फिर यूपी कैटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कोशिश करें कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, और सॉल्व करते समय इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन किन किन जगह से लिया जा रहा है, ठीक है। आप उसके आसपास का जो है जो भी मटेरियल है उसको रीड कर लें, जिससे कि आपका जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अच्छा एग्ज़ाम होगा। आप हमारे साथ में पुराने पेपर सॉल्व करते रहें, ठीक है। कई सारे हम पुराने पेपर सॉल्व करवा देंगे। आज सन 2010 का सॉल्व करा रहे हैं, फिर अगला कोई सेट सॉल्व करवाएंगे। तो आप हमारे सारे सेट देख लेना, ठीक है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम नए व्यूअर से कहना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगे कि हमारी बातें कुछ आपको हेल्प कर रही हैं एग्ज़ाम में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धान उगाने की डेपोक विधि में रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है, तो कितने दिन में पौध तैयार हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला ऑप्शन है 20 दिनों में, दूसरा है 18 दिनों में, तीसरा है 19 दिनों में और चौथा है 12 दिनों में, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेपोक विधि होती है दोस्तों, वो 12 दिनों में तैयार हो जाती है। अगर एवरेज कभी पहुँच देता है तो 12 से 14 आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा 12 दिनों में होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, मक्के की प्रोटीन को कहते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पे पहला है ग्लूटेन, दूसरा है जीन, तीसरा है एल्ब्यूमिन, चौथा है लाइसिन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है जीन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन। मक्के की प्रोटीन को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्यूसेक जल किसके बराबर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ लिया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्यूसेक से रिलेटेड कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर रीड कर लें। जल पूछ देते कितना इसके बराबर होता है, तो ये चीज़ें यहाँ से क्यूसेक और क्यूमेक दोनों रीड कर लें आप। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका 3000 LPM होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, माइक्रोनी गेहूँ का वानस्पतिक नाम है। देखिए पहला ऑप्शन है टिटकम डाइकोकम होता है, और ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम। तो यहाँ जो एग्जैक्ट आंसर आपका है वो चौथा है, ट्रिटिकम ड्यूरम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कपास के रेशे की परिपक्वता के किसके द्वारा नापी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, दूसरा है एनमोमीटर, तीसरा है एरियालोमीटर, चौथा है बैरोमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप ज़रूर याद कर लेना, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा एरियालोमीटर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टिटकेल क्रॉस है, मतलब टिटकेल जो है किसके किसके बीच का क्रॉस है, ये एक किस्म है अलग से बनाई गई है। तो इसका जो क्रॉस है वो पहला ऑप्शन है गेहूँ और जौ, दूसरा है जौ और राई, तीसरा है गेहूँ और राई, चौथा है गेहूँ और जई। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या होगा? गेहूँ गुड़े राई, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए अत्यधिक प्रभावशाली रासायनिक तत्व है, ठीक है। देखिए ये बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको क्वेश्चन को, यहाँ पे पूछ रहा रासायनिक तत्व, ठीक है। अगर यहाँ पे हार्मोन्स की बात करता तब अलग हो जाता, लेकिन यहाँ रासायनिक तत्व की बात कर रहा है। तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, एथिलीन, जिब्रेलिन और कुमेरिन। तो यहाँ पर देखिए ये जिब्रेलिन जो है ये एक हार्मोन है, ठीक है, और यहाँ जो रासायनिक तत्व तो होगा वो पोटेशियम होगा। तो यहाँ पे आंसर एग्जैक्ट क्या होगा? पोटेशियम नाइट्रेट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
गेहूं की फसल में फेलेरिस माइनर खरपतवार नासी को किससे नियंत्रित किया जाता है? पहला ऑप्शन है एलाक्लोर, दूसरा सीमाजिन, तीसरा आइसोप्रोट्यूरान, चौथा है एट्राजिन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये अगर ऐसे नहीं पूछ देते हैं तो फेलेरिस माइनर पूछ देते हैं किस फसल से संबंधित है, और इसके कंट्रोल के लिए भी पूछ देते हैं, तो यहाँ पे जो होगा आइसोप्रोट्यूरान होगा। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि में, ठीक है, मक्का, आलू, जौ, मूंग फसलों में फसल चक्र होता है। ठीक है, देखिए एक फसल चक्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बुक में ये कक्षा 11 की बुक में आपको फसल चक्र से रिलेटेड डेटा मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप रीड कर लें या किसी बुक से भी रीड कर लें। ठीक है, एग्रोनॉमी की बुक में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन है 300, 400, 500 और 150। अब इसको कैसे निकालते हैं इसको आप पहले सीख लेना। चलिए अब यहाँ पे जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो 150 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी निम्नलिखित फसल अधिक पानी चाहती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखिए इन क्वेश्चन को आप ज़रूर याद करें, ये जितने सेट हैं आप उनको अगर एक जगह कवर करके रख लेंगे तो आपको 10-12 क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का ही मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वही तो आप मतलब एग्जाम में पूछते हैं एग्जामिनर, तो आप इनको ज़रूर याद कर लें। तो यहाँ जो आंसर होगा वो है गन्ना। चलिए अगला है धान में चावल का प्रतिशत होता है, मतलब हलिंग परसेंटेज ऑफ राइस। तो यहाँ पे पहला 60, 65, 70 और 72। देखिए जो हलिंग परसेंट होता है एक एवरेज माना जाता है 65 से 70 माना जाता है। ठीक है, लेकिन 70 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो 65 होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, अगर 65 से 70, 70 से 75 इस तरीके से देता तो आप सोच सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है 65 है। चलिए अगला है संकर मक्का की बीज दर कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे कभी कभार देसी मक्का पूछ देते हैं, तो देसी संकर हाई जो भी हैं और इसको आप ज़रूर याद कर लें। ठीक है, कंपोजिट भी देख लें। तो यहाँ पे जो आंसर होगा पहला है 10 से 15 किलोग्राम, दूसरा है 20 से 25 किलोग्राम और तीसरा है 35 से 40 किलोग्राम, चौथा है 40 से 45 किलोग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दो होगा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज करते हैं संकर मक्का। ठीक है, हाइब्रिड देसी होती तो वही 16 से 20 यूज करते हैं। चलिए और संकुल भी जो है वो भी 20 से 25 ही यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आलू की सिंचाई में सबसे नाजुक अवस्था कौन सी होती है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत ध्यान से करने लायक क्वेश्चन है। पहला जैसे पूछा ट्यूबर बनते समय 25% ट्यूबर बनने पर, अगला है स्टोलन बनने पर, अगला 50% ट्यूबर बनने पर। ठीक है, यहाँ जो एग्जैक्ट आंसर है वो 25% ट्यूबर बनने पर होगा। ठीक है, ये अवस्था जो होती है बहुत ही नाजुक होती है, इस समय अगर आप सिंचाई कर देंगे तो सड़ने लगेगी आलू। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है फाइलोडी तिल की भयंकर बीमारी है जो कि निम्न कारण से होती है। ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है, मतलब ICAR हो या BHU हो या UP कैटेड हो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन हो गया है, तिल से संबंधित होता है फाइलोडी। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा है कवक और तीसरा है MLO, चौथा है विषाणु। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका MLO होगा। ठीक है, MLOs ये। तो अगला है सोमैटिक संकरीकरण से बायो तकनीकी द्वारा विकसित सरसों की प्रथम किस्म कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चनों को आप कोशिश करना कि अच्छे से याद कर लें, जिससे कि आपको पता चल जाए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन। और एक चीज़ और है कि इन क्वेश्चन को आप जब करें तो इसके साथ साथ में यहाँ से जा करके और इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही टॉपिक पे जा करके आप जरूर करें। आप 10 सेट सॉल्व करें, 10 सेट सॉल्व करने के बाद जहाँ जहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है वहाँ वहाँ के आसपास के क्वेश्चन आप जरूर रीड कर लें कि किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। ये मेरी आप बात अगर मानेंगे तो देखना आपको पक्का एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे है पूसा जय किसान, किसान पूसा कल्याणी और M18। ठीक, तो यहाँ जो आपका आंसर होने वाला है वो है पूसा जय किसान, यही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बगीचे की प्राचीनतम विधि है, मतलब कौन सी ऐसी विधि है जो प्राचीनतम है। ठीक है, तो यहाँ है पहला है तैरते हुए बाग, दूसरा है मुगल बाग, तीसरा है जापानी बाग, चौथा है गृहवाटिका। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आंसर है वो मुगल गार्डन होगा, ये दूसरा ऑप्शन। ठीक है, मुगल बाग। अगला है मिर्च में तीखापन किस कारण होता है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रंग से रिलेटेड होता है और एक तीखेपन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन, अगला है कैप्सेंथीन, अगला है कैप्सेसिन और है कुकरबिटेसिन। देखिए एक तो और तरीका है, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि कभी कभार जैसे कुकरबिटेसिन है तो ये क्या होता है, ये करेले रेले संबंधित होता है। आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं, एकाध मतलब क्वेश्चन एकाध ऑप्शन। तो अगर आपको पेपर नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। एक दो कार्ड दिए जाते हैं अपने आप अगर आपको पेपर नहीं आ रहा है, जैसे ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब आपको लग रहा है इनमें से और इनमें से होगा, अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप कभी कभार ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इन दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप चूज करके फिर आप एक लगा सकते हैं, जब आपको पेपर सही से ना आए तब के केस में एक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो कैप्सिसिन है, सी ऑप्शन है ये। और ये जो कैप्सेंथिन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये जो है लाल रंग का कारण होता है और ये तीखेपन का कारण होता है। चलिए अगला है, टमाटर का मूल उत्पत्ति स्थान क्या है। देखिए यहाँ पे जो टमाटर का मूल उत्पत्ति स्थान है वो पेरू और मैक्सिको है, और अगले ऑप्शन जो है मेडिटेरियन रीजन, भारत और चीन, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, केवल ये पहला ऑप्शन है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा क्वालिटी कम नज़र आ रही तो अपने सेटिंग पे जाकर के वीडियो की क्वालिटी सही कर लें, जिससे आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा धुंधलापन नज़र आए आपको, तो थोड़ा सा क्वालिटी सही कर लेंगे तो अच्छा दिखने लगेगा। चलिए अगला है, भिंडी में परागण स्फुटन होता है, किस समय होता है भाई परागण भिंडी में सबसे ज़्यादा। तो पहला ऑप्शन क्या है, 5 से 7 प्रातः, 8 से 10 प्रातः, 3 से 5 शाम और 5 से 7 शाम। तो यहाँ जो आंसर है आपका 5 से 7 प्रातः होगा पहला ऑप्शन। चलिए 170 नंबर है, निम्न में से एक बीज पत्री सब्जी कौन सी है। देखिए पहला है गाजर, दूसरा है सौंफ, तीसरा है परवल और चौथा है बंडा। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो परवल है। ठीक है, ये मोनोकॉट वेजिटेबल है। अगला है, निम्न में से कौन सी ट्रेप क्रॉप की तरह उगाई जाती है। ट्रेप क्रॉप का मतलब दोस्तों होता है, देखिए कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो एक क्या काम करती हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो इससे क्या होता है, इनको आसपास हम बो देते हैं तो मुख्य फसल हमारी बच जाती है, कीट इसी पे भटके रहते हैं। तो यहाँ पे भिंडी, आलू, प्याज और बैंगन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो भिंडी है। भिंडी कपास के चारों तरफ बोई जाती है, जिससे कपास की मुख्य फसल बच जाती है। चलिए अगला है, गोल आकार के बैंगन की किस्म निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए एक तो लंबे बैंगन होते हैं, गोल होते हैं, ठीक है, और कभी कभार सफ़ेद बैंगनी भी करके पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पे खैर जो पूछा गया वो देखिए, पहला है पंत सम्राट, दूसरा है पंत ऋतुराज, तीसरा है पूसा पर्पल क्लस्टर, चौथा है पूसा क्रांति। तो आपका यहाँ जो आंसर है पूसा पर्पल क्लस्टर है, सी ऑप्शन मतलब तीसरा ऑप्शन। अगला है 173 नंबर क्वेश्चन, तरबूज में बीजहीनता निम्न कारण से होती है, मतलब किसके कारण तरबूज में जो है बीजहीनता होती है। तो पहला है पार्थेनोकार्पी, दूसरा है ट्रिप्लॉयडी और तीसरा है पार्थेनोजेनेसिस और चौथा है एम्ब्रियो एबॉर्शन मतलब भ्रूण विस्थापन। तो यहाँ पे जो आंसर है आपका ये होगा ट्रिप्लॉयडी, बी ऑप्शन। ठीक है, ये तो अगला है, शक्करकंद में खाद्य पदार्थ भाग होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है ये, शक्करकंद से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, यूपी कैटेट में खासकर हमेशा जब का पूछ ही दिया जाता है, या तो फैमिली पूछ देते हैं या तो बोटेनिकल नेम या तो क्या खाया जाता है इस तरीके से, या तो रूट क्रॉप है कि नहीं है इस तरीके से पूछते हैं। तो यहाँ से शक्करकंद के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ज़रूर पढ़ लेना। तो यहाँ पर है पहला मॉडिफाइड रूट, दूसरा है लीफ, तीसरा है मॉडिफाइड स्टेम, चौथा है फ्रूट। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो इसको बोलते हैं मॉडिफाइड रूट को, रूपांतरित जड़। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन होगा मॉडिफाइड रूट। चलिए अगला है, केला एवं आम को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मतलब इसमें से कौन सा है जो केला और आम को कृत्रिम रूप से पकाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका K2S2O5, दूसरा है पोटेशियम, ये परमैंगनेट जो होता है, और कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं सॉरी। तो यहाँ पे जो आपका होगा कैल्शियम कार्बाइड ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बाइड को जो हम लोग लगाते हैं तो इससे एक गैस निकलती है। ठीक है, उस गैस के कारण ही हमारे फल पकते हैं। ले अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक काट छांट किस फल में की जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन
एक दो तरीके से और भी पूछा जाता है, पहले हम इसका देख लेते हैं आंसर। जैसे बेर, अमरूद, आम और लीची, तो यहाँ पे अत्यधिक जो काट छांट की जाती है वो बेर में की जाती है। अब बेर से एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जामों में कि बेर में ट्रेनिंग प्रूनिंग किस महीने में की जाती है, ठीक है, तो वो भी आपको मध्य मई ध्यान रखना है, मध्य मई से मध्य जून तक ध्यान रखना है, वो भी बहुत पूछा जाता है। तो ये है बेर। केले में पुष्करम किस प्रकार का होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अम्बेल, कैटकिन, स्पैडिक्स या रेसिम, तो यहाँ पे जो होगा स्पैडिक्स होगा, ठीक है। अब है क्लाइमेटिक प्रकार का फल कौन सा है, देखिए तो यहाँ पे है लीची, पपीता, अंगूर और संतरा, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो तो है आपका पपीता। देखिए क्लाइमेटिक का मतलब होता है ऐसे फल जो स्वतः पक जाते हैं, ठीक है, और ये नॉन क्लाइमेटिक होता है मतलब ये अगर आप परिपक्व अवस्था पर तोड़ेंगे तो ये अगर नहीं पूरा पका है तो ये धीरे धीरे सूख जाएगा लेकिन पकता नहीं, तो इसीलिए क्लाइमेटिक और नॉन क्लाइमेटिक जो है ये फल ज़रूर पढ़ लेना। अगर आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके हार्टिकल्चर का वीडियो देखेंगे, वहाँ पर मैंने क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेटिक और ये ट्रू फॉल्स जो भी फल होते हैं इसके अलावा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सब चीज़ें मैंने विथ ट्रिक पढ़ाई हैं, तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुच्छा रोग किस में पाया जाता है जिसको बंची टॉप बोलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पहला है अंगूर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, केला, तो आंसर आपका होगा केला। अगला क्वेश्चन है, अमरूद के फल अधिकांशतः किस पर लगते हैं, मतलब तो पहला दल पर, चालू मौसम की वृद्धि पर, फिर एक वर्ष पुरानी अंकुरित डाली पर, दो वर्ष पुरानी अंकुरित डाली पर। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका आंसर होने वाला है वो आपका आंसर है ये चालू मौसम की वृद्धि पर, ठीक है, ये जो ऑप्शन होगा आपका ये दूसरा नंबर होगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेब के बाग में मुख्य फसल और परागकारी फसल के मध्य अनुपात होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए पहला ऑप्शन है 9:1, दूसरा है 1:9, तीसरा है 1:6, चौथा है 10:1, तो यहाँ आपका जो आंसर है 10:1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक हेक्टेयर में आम्रपाली आम के कितने पौधे लगाए जाते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको आप निकाल लेना, ये निकालने की भी एक ट्रिक होती है पौधों की संख्या। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला है 100, 400 और 1600 और 1000, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो 1600 होगा, ये 2.5 × 2.5 मीटर पे लगाते हैं इसका जो स्पेसिंग होता है, तब आप इसका निकालेंगे तो निकल आएगा, ठीक है। चलिए अगला है, सेब किस प्रकार का फल है, तो यहाँ पर है समारा, एकीन, कैरियोप्सिस और झूठा फल, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा फाल्स फ्रूट होगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगला है, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किस प्रकार की भूमि के सुधार हेतु किया जाता है, ठीक है, पहला ऑप्शन है छारी, दूसरा है अम्ली, तीसरा है लवणी, चौथा है मखरला भूमि, ठीक है। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो है ये अल्कली सॉइल मतलब छारी, ये पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला जो है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन प्रतिस्थापन में किस पोषक तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है, क्लोरीन, फास्फोरिक एसिड, पोटेशियम ऑक्साइड, मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो आपका आंसर होगा वो होगा मॉलिब्डेनम, और चौथा ऑप्शन है ये। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा मैं, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा धुंधला दिखे तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी को आप इंक्रीज़ कर लें, जिससे कि आपको वीडियो बहुत अच्छा दिखने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च पीएच मान वाली मृदा में अधिकांशतः किसकी कमी होती है, जहाँ पर उच्च पीएच रहता है वहाँ किस किस मतलब तत्व की कमी रहती है, तो पहला ऑप्शन है जिंक और मैंगनीज, दूसरा है तांबा और मॉलिब्डेनम, तीसरा है बोरान और लौह तत्व, चौथा है कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ जिंक और मैंगनीज आपका आंसर है पहला ऑप्शन। 187 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ऑप्शन देख के ही तुरंत समझ जाएंगे कौन जैव उर्वरक है, जैसे यूरिया, गोबर की खाद, कंपोस्ट और हरी खाद। यूरिया तो देखिए रासायनिक उर्वरक होता है, गोबर खाद ये भी क्या होता है, ये जो होता है ये कंपोस्ट वगैरह होती हैं इनसे, ये गोबर की खाद अलग होती है, तो जैव उर्वरक कौन बचा, हरी शैवाल बची, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, जैव उर्वरक क्या होगा, हरी शैवाल, ये धान के खेत में बहुत यूज किया जाता है।
पशुओं में पीका बीमारी किस तत्व की कमी से होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या होता है दोस्तों, एक बीमारी होती है, एक मतलब तत्व के कारण होती है, वो फास्फोरस होता है। इसी के कारण मतलब इसी कमी के कारण ये बीमारी लग जाती है। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध शर्करा को कहते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज। तो दुग्ध शर्करा होती है, दुग्ध शर्करा होती है लैक्टोज, ठीक है, ये बी ऑप्शन आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रोटीन केवल सॉरी हाँ कौन सी प्रोटीन केवल दूध में पाई जाती है? देखिए आप ये जो वीडियो हैं यहाँ से आप एनिमल हस्बेंड्री प्ले लिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आपको एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको मेरी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे और वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैंने पढ़ाया है, आप देख लेना वहाँ पर जा करके। तो पहला है केसिन, ग्लूटीन, राइसिन और ग्लोब्यूलिन। तो यहाँ जो इसका होगा केसिन होगा आंसर। देखिए दूध में सबसे ज़्यादा केसिन पाई जाती है, इसका परसेंटेज वही 80 से 83% होता है और इसी के कारण दूध थोड़ा सा वाइट होता है, यही होता है। अगला है कि अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की श्रेष्ठ किस्म है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको ज़रूर याद कर लेना। पहला है वाइट रॉक, दूसरा है कार्निस, वाइट लेगहॉर्न और रोड आयलैंड रेड। तो यहाँ जो आपका आंसर है वो वाइट लेगहॉर्न है, तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन है, NDRI कहाँ स्थित है? NDRI दोस्तों होता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो होता है नई दिल्ली, इजयनगर, हिसार और करनाल। ये पशुओं से संबंधित है दोस्तों, तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला है, गाय के करण स्विस किस्म किनके संक्रमण से विकसित की गई है? जो ये नस्ल है ये किसके संक्रमण से विकसित की गई? तो पहला होस्टीन गुड़े साहिवाल, दूसरा फिजियन गुड़े थारपारकर, तीसरा ब्राउन स्विस गुड़े रेड सिंधी और चौथा सुरती गुड़े ब्राउन स्विस। तो आप देखेंगे इसका जो आंसर होगा ब्राउन स्विस गुड़े रेड सिंधी होगा, ब्राउन स्विस गुड़े रेड सिंधी तीसरा ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला है, भैंस की कौन सी किस्म के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है? ये दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है और देख लेना मेरी प्ले लिस्ट में जाके, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अभी कुछ ही वीडियो डाले लेकिन सब मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे मुर्रा, मेहसाना, सुरती और भदावरी। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वसा सर्वाधिक जो होती है भदावरी में होती है। लीची का उत्पत्ति स्थान है उत्तरी अमेरिका, वेस्ट इंडीज, भारत और चीन। तो यहाँ पे देखेंगे इसका चीन का उत्पत्ति स्थान जो है वो चीन है, सॉरी लीची का जो उत्पत्ति स्थान है वो चीन है। तो अगला है, भैंस का गर्भकाल होता है, तो यहाँ पे 180 दिनों का, 282 दिनों का, तीसरा है 307 दिनों का और चौथा है 350 दिनों का। तो यहाँ पे भैंस का जो गर्भकाल होता है वो दोस्तों 307 होगा और ये एवरेज वही 310 माना जाता है, ठीक है, तो आप इसे ज़रूर याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए एंड्रोडायोसियस फार्म ऑफ सेक्स इज फाउंड इन, मतलब ये जो एंड्रोडायोसियस होता है उभय एक लिंगाशरी जो होते हैं प्रकार का लिंग किसमें पाया जाता है? पपीता, अंजीर, रामबूटान और या फिर कटहल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो होगा पपीता होगा, पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला है, सिट्रस कैंकर इज केयर्ड बाई, ये देखिए मतलब नींबू वर्गीय फलों में कैंकर किस कारण हो जाता है? और ये बहुत अच्छा है, नींबू से बहुत ज़्यादा कैंकर पूछा जाता है, एक तो डाईबैक और ये कैंकर, ये नींबू से दो रोग बहुत ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इन दोनों को आप याद कर लो, किसके किसके कारण होते हैं ये भी आप देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो जीवाणु के कारण होगा, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल है आंवला, कटहल, आम, सेब। तो यहाँ पे जो भारत का राष्ट्रीय फल है ये सबको पता क्या होगा? आम होगा, ठीक है। तो मैं बीच बीच में एक थोड़ा सा बताते जाता हूँ कि यहाँ से और देख लेना, ये देख लेना, ये आपको हेल्प करेगा, आप इन चीज़ों पे ध्यान दें और कोशिश करें कि आप इनको बुक से ज़रूर रीड कर लें, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूँ उसको आप कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगला 200 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये है बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है, ठीक है। तो बहुभ्रूणता को पालियम बिरयानी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, पहला ऑप्शन है अमरूद, पपीता, नींबू वर्गीय फल और अनार।
तो यहाँ जो होगा पालीम बिरयानी जो होती है वो नींबू वर्गीय फलों में पाई जाती है, मतलब कई सारे पेड़ एक बीज से निकलने के चांसेस रहते हैं, तो ये होता है। देखिए ये 50 क्वेश्चन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैं आपसे कहूँगा कि इन सभी क्वेश्चन को आप ज़रूर रीड कर लें, और जो मैं अगले सेट लेके आऊँगा वहाँ भी आप उन सेट को सॉल्व कर लें, और जहाँ जहाँ से ये क्वेश्चन उठ रहे हैं उन उन चैप्टर्स पे जाके उसके आसपास के क्वेश्चन आप ज़रूर रीड कर लें, या आपको एग्ज़ाम में इतना हेल्प करेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।